अमेरिका में हूँ, अमेरिका में एक सिटी है डैलस, टेक्सास में वहाँ पे हूँ, एंड वी हियर टू ईट दिस थिंग व्हिच इज कॉल्ड द विंग्स. तो ये जगह जो मैं आया हूँ इसको कहते हैं, इट्स कॉल्ड द बफलो वाइल्ड विंग्स. बहुत फेमस जगह है, अगर आप पीछे देखोगे ऐसी दिखती है वो जगह पूरी. तो ये जगह पे विंग्स बहुत फेमस है और यही खाने हम आए हैं. तो मैंने विंग्स ऑर्डर किए हैं, नॉर्मल जो कि ट्रेडिशनल विंग्स होते हैं बोन के साथ, वो और मैंने ऑर्डर किए हैं और वो एक्चुअली आ गया. तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ. देखोगे ये मेरे विंग्स हैं, साथ में कैरेट दिए इन्होंने और ये भी कुछ दिए मैं पता नहीं. काफ़ी गर्म है, मैंने उठाया और ऐसे एक्चुअली विंग देख रहे हैं. इसमें जो सॉस है मैंने हॉट सॉस की है, जो काफ़ी फोर्थ लेवल पे है, डेंजरस है मतलब बोलते हैं. और ये एक्चुअली क्रीम सॉस है ताकि थोड़ा माइल्ड करें इसके साथ. साथ में मैंने बडवाइजर अमेरिका में लिए, एक बियर लिया, बहुत फेमस है, ऐसी दिखती है. तो मैंने सोचा कि इसके साथ ये भी आई थिंक शायद हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो ये विंग को ऐसे ले गए पहले, इसको सॉस में अच्छे से डुबाएंगे और अब हम इसका एक बाइट लेंगे. तो ये आपने ऑलरेडी देखा, अब मैं ये बफलो वाइल्ड विंग की चिकन विंग जो बोन वाली है उसका एक बाइट लेना. नॉट बैड, तीखी है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा तीखा महसूस कर रहा है. ये सॉस में डुबोने से एक अच्छा फ़ायदा है कि आपको इमिडिएटली नहीं पता चलता तीखा है. एक बार इसकी बाइट लेते हैं. आप देख सकते हैं मेरे हाथ पूरे लाल हो गए और अब एक्चुअली तीखा पता चल रहा है, ज़बान पे धीरे धीरे लग रहा है मेरे, एक्चुअली जैसे गले में गया. आई थिंक बेयर पीनी थोड़ी ज़रूरी हो जाती है इसके साथ. तो अगर आप अमेरिका आओगे तो आपको बडवाइजर बियर ट्राई करनी है, ये वाली बडवाइजर. देखेंगे कैसे करते हैं. तो मैंने एक पीस खाया और एक्चुअली काफ़ी तीखा था. आई डिडंट एक्सपेक्ट टू बी सो हॉट, बट मेरा एक्चुअली पूरा बदन चल रहा है चेस्ट तक. तो मैं एक और पीस खाने वाला हूँ, अभी ये मैंने छोटा लिया है, बट एक और बाइट लेते हैं इसकी. ये सॉस में डुबाया आपको लगता है बहुत ही है, मेरा मुंह लिटरली लाल हो चुका है. अगर आपको लगता है कि अमेरिका में लोग तीखा खाना नहीं खाते तो आप बहुत गलत हो, क्योंकि तो अमेरिका में लोग बहुत तीखा खाना खाते हैं, मतलब जितना मुझे पता है मैं खा के. तो मैं रोना नहीं खाता हूँ बट मैं ऑलरेडी पसीना पसीना हो रहा हूँ ये विंग खा के. बेयर भी काम नहीं कर रही है. आप कभी भी बफलो वाइल्ड चिकन विंग्स में आएंगे तो ज़्यादा तीखा ना ही मंगाए, सॉस अंडर एस्टिमेट मत करना क्योंकि अमेरिकन तीखा खा सकते हैं. ये जगह बहुत प्यारी है, काश मैं आपको दिखा सकता था, बट ऐसे सारे टेबल जेबल्स हैं सारे पीछे. बहुत अच्छी जगह है, बार बार बनाए और ज़रूर आना अमेरिका में. आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई. बफलो वाइल्ड विंग्स इज मस्ट मस्ट प्लेस टू विजिट इन अमेरिका. या आई एम गोना एंजॉय माय विंग्स, हैव अ बियर, और नेक्स्ट टाइम इंडियनफूडी एक नए सफर पे फिर मिलेंगे. बाबा लेजेंड्स, बफलो वाइल्ड विंग्स इन अमेरिका.